राज दरबार बदनोरा की कोटड़ा से तैयार होते हैं। बाबा बाड़जी टूलर घोड़ा के ऊपर सवार होता है, मैदू जी भी अपनी सुंदर घोड़ा के ऊपर सवार होता है। दोनों वहां से जब माता साडू गोठाना बाला देव जिनको चरणों में शीश नवाते हैं, शीश नवा करके दैया की सावर के लिए तैयार हो जाते हैं। राज दरबारों से निकल करके जाते हैं। मजल मजल का करे जो बाबा बाड़जी चालनार वो गो टूल घोड़ा पे असवार है। और आज तुम देखूंगो मैं भगत बोझ का डावड़ा का शोक लाऊंगा, तू गौड़ी गोड़ी की बंद छुटवार। बोले आज तुम देखूंगो, देखा हुई है फेंक छे के, देखा तू साए साए तेरे मायन बगड़ावता को खून से गौड़ी गोड़ी की बंद छुटवाओ छे उठवाओ छे। वहां से जा करके जब ऊंचे शिखर पर्वतों की तरफ जाते हैं, कजेड़ा दह के पास में जाते हैं, पहाड़ की कंदराओं के ऊपर बैठा हुआ भगवान शंकर पार्वती दोनों मन में विचार करते हैं। बोलो पार्वती भगवान शंकर ये कौन आ रहे हैं? देख करके भगवान शंकर जान जाता है बाबा भाटर मैं तू आ रहा से जाना। बोलो कैडे जा रहा जाए जाना? बोलो ये जाएंगा दैया की सावर में जाना। बोलो क्या ही खाता रे जाना? बोले बौड़ी घोड़ी की बन छुटवा बा जाना। बोले महाराज जी वो डेढ़ बौड़ी घोड़ी की टाबर बन छुटवा लेगा भगवान शंकर जान जाता है। वही भगवान शंकर बाबा रूपनाथ का रूप बन करके बैठा हुआ था। बोले यार बहु जाएगा तो इनकी दैया के सावर पार पड़नी को ना। भगवान शंकर मन में विचार कर करके एक जाल रचता है। जाल रच रच करके माया रूपी एक बबरी शेर तैयार करता है। शेर तैयार कर करके वहां से भेज देता है। जाकर उस स्थान के ऊपर दो रास्ताओं के ऊपर खड़ा हो जाते हैं। हाथ जोड़ू छू करूं छू विनती बाबा बाड़जी तूने बोल रहे मैं दू अरे दैया की सावर में कौन सो गलो जाए ऊबा भैगा छोरा के मारे बाबा बाट जी। अरे अब बताओ या गए कौन दिशा ने चोरा मल खड़ा होगा जाना। बोलो बाड़ जी अब यह बता कि दैया की सावर को चोरा होगा इंडिया गए कौन सोचे जाना खड़ो अरे फिर खेबल को बड़बड़ करके मत बोले मारा मैं द्वार। अरे आई बात में देख बची नहीं दाड़े अरे या कह लो जाएगा सावर में या जा रहे हो जो बेला की बिलवाड़। बोलो या कह लो तो बेला ही बिलवाड़ में जाएगा और या दैया की सावर में जाएगा। हे मैं तू दैया की सावर का यहाँ से दो रास्ता जा रहे हैं जाना। बोलो बाबा कौन सा जाना? बोलो या कह लो छह या तो छह महीना को छह या कह लो छह बारह महीना को जाना। बोलो ये गैला में फर्क के से बोलो आई गैला के मायने तो जाबा में समस्या होगी टाइम लाग सके जर आई गैला साथ में बेरोक ठोक जा सके जर जाना। बोलो छह महीना काम ही चाले ना। उस रास्ते से बाबा भाड़जी और मैं तू आके प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर का भेजा हुआ शेर जाता है जाकर के रास्ता ओट लेता है। सिंह जाकर के जब रास्ता को ओटता है उसी समय दूर आता हुआ बबरी शेर को देखता है। मैदू को तो काल जो पानी वेगो थर थर दूज वाल को बोलो बाबा भाड़जी बोलो के बोलो घोड़ा ने ओठो मोड़ दे हाथ जोड़ू छू करू छू विनती बाबा भाड़जी तेरा घोड़ा ने ओठो देना मोड़। अरे बस दिखाई मैंने या दैया की सावर को आपा दौड़ो ली ना दौड़ बोले बस ऐसे दिखाई दैया की सावर को दौड़ो दौड़ लिया तू घोड़ा ने ओठो मोड़। बाड़ जी बोले यार क्यों गोंडे तो बहुत तगड़ी तगड़ी फेंक जो। बोले सुने जीवा का तो गोट बसा लिया मार्गन भगवान देव जैसे आया का भाई जाया का 36 घोड़ा लिया का ओठो चाल। वहां से मुड़ करके बाबा भाट के साथ में मैदू जी वापसी आता है। आकर के जब एक मैडी महल के ऊपर खड़ी हुई पीपल दे देख रही थी आगे आवे बाबा भाट जी और पीछे मैदू आवे और तड़क बड़क से आर्या घोड़ा का असवार मन ही मन का मायने जान की जय सिंह दे की जावड़ी की ये कौन लिया बौड़ी घोड़ी की बंद छुटवार। जना जा करके एक माता साडू से आवाज दे करके सूती हुई माता साडू को जगाती है कौन पीपल दे। अरे एक उलाना दे करके घोड़ी के बारे में उस माता साडू से कहती है तो क्या कह रही थी और किस प्रकार से बैठी हुई माता साडू पीपल दे की बात को सुन रही थी।
नजर फैलाया तेरो मैं दबो गोड़ी की बंदो छोटा छुटवायो छे माता जी तेरो बेटो ये मेरा देखता ने तरवेगा लाले अरे वही जीता कोड़ी की बंद छुटवा बाला वाने खाको नदी ने खाड़ी को खाले अरे आई का वो लिया खे दिया या साथ में बाट की बीटा के कोटा